The Indian Contract Act is considered to be one of the most important subjects in preparation of your law entrance examinations. And उसमें खास करके offer क्या होता है acceptance क्या होता है या communication of an offer या revocation of an offer कब तक किया जा सकता है ये कुछ problems हैं जो बच्चों को हमेशा issue create करते हैं तो आज इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए वो सारी चीजें जहां पर बताया जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं माय नेम इज़ आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू चैनल ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जहां पर हमारा उद्देश्य है कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड करके तैयारी कराई जाए जैसा कि आपको पता है वी डोंट टू कीप एनी स्टोन हम हर वो चीज करना चाह रहे हैं जो हमारी सीट एक NLU में पक्की कराएगा तो उन्हीं लाइन पर आपको यह वीडियो आज देखने को मिलेगा जहां पर हम शुरुआत करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट

फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड जितनी देर का यह सेशन चलेगा उतनी देर बस आप यहां फोकस कर ले आई कैन अश्योर यू की जो टॉपिक हम यहां पढ़ने वाले हैं फिर अगर उससे क्वेश्चन आता है आप कभी भी गलत नहीं करेंगे सो लेट स्टार्ट दिस सेशन एंड सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं वॉट इज अंट्रैक्ट तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन टू एच जो है वो हमें बता रहा है दैट एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय अ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट आई रिपीट एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाए उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ठीक है अभी मैं चाह रहा हूं सिर्फ आप सुनते जाएं, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जब तक आप पहुंचोगे जब तक टॉपिक बिल्डअप होगा डेफिनेटली आपको यह चीज समझ में आने वाली है ठीक है सेक्शन टू एच क्या कह रहा है इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ कानून के द्वारा उसको एनफोर्स कराया जा सके अगर एक अग्रीमेंट को तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे बट सवाल ये उठता है कि अग्रीमेंट क्या होगा तो अगेन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन नंबर टू ई जो है इट इज टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट क्या कह रहा है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट हर वो सेट ऑफ प्रोमिस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है विल बी नोन एज अग्रीमेंट ठीक है दस इट इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिस इन एन अग्रीमेंट ठीक है नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट अभी हम क्या चीजें समझ गए एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट इज एन अग्रीमेंट विच इज सवाल उठता होता है, and and भी होता है. ठीक है आगे आते हैं नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑफर आपको पता होना चाहिए ऑफर क्या होता है देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि एक्सेप्टेंस क्या होता है ठीक है बट बिफोर मूविंग अहेड आई वॉन्ट यू गाइस टू नो एग्जैक्टली As to Section number two A, Section number two B, Section number two D, then Section number two E, and then finally, sorry, Section number टू एच ये आ, जो सारे के सारे सेक्शन आप सामने देख पा रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वाई बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर टू ए जैसा कि वर्ड अल्फाबेट ए है जो शुरुआत करता है सिमिलरली कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है सर दैट इज एन ऑफर ऑफर होता क्या है इस पर बात करेंगे बट अभी सिर्फ समझते जाइए कि सेक्शन टू ए की में दिया गया है ऑफर की परिभाषा सेक्शन टू बी ऑफर के तुरंत बाद क्या होगा उस ऑफर का एक्सेप्टेंस फिर यहां पर बात की जा रही है कंसिडरेशन की यह क्या होता है इसको भी समझा जाएगा एंड ई e में आ रहा है अग्रीमेंट एंड एच में आपको देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑफर ऑफर क्या है ऑफर बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जहां पर मैं कुछ एक कार्य करने के लिए सामने वाले को प्रपोजल दे रहा हूं यानी जहां पर आई एम टेलिंग that for फॉर if इफ case आई want टू सेल my कार तो मैं सामने वाले को अपनी इस इच्छा को जाहिर कर रहा हूं that आई want टू सेल my कार एट दिस 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 प्राइस ठीक है तो वो क्या हुआ ऑफर हो गया जैसे ही जिस व्यक्ति को मैंने ये ऑफर दिया है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है यानी जो ऑफर के टर्म्स हैं उनको वो मानता है तो उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं बट उसके बदले में आई सेड आई विश टू गिव यू माई कार बट उसके रिटर्न में आई वॉज आस्किंग फॉर समथिंग एंड दैट समथिंग विच इज डन इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन नेक्स्ट टू ई में क्या है जब एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो यह बनाता है प्रॉमिस बट एवरी प्रॉमिस वेन अ विथ कंसिडरेशन गिव्स अस एन अग्रीमेंट एंड एवरी अग्रीमेंट विच कैन बी लॉफुली एनफोर्स्ड इज समथिंग नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ये वो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब आते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफर तो इसकी परिभाषा क्या कहती है ऑफर की डेफिनेशन हमको कह रही है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे को बता रहा है किस चीज की व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग किस चीज की विलिंगनेस बता रहा है कुछ करने की या एबस्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ठीक है लेकिन इस विलिंगनेस के साथ जब ऑफर दिया जाता है जैसे इफ इफ इन केस मैं कह रहा था कि आई वांट टू गिव यू माय कार तो मेरी विलिंगनेस तो थी बट उसके साथ साथ आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग समथिंग फ्रॉम यू एंड दैट समथिंग इज द असेंट द असेंट असेंट टू डू व्हाट असेंट कि आप मेरी ये कार खरीदोगे राइट right? जी तो ऑफर और ठीक है आई होप यहां पे चीजें क्लियर है यहां पे जब आप इनके एलिमेंट्स पढ़ोगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है क्या सिग्निफाई कर रहा है अपनी इच्छा अपनी विलिंगनेस किस चीज की कुछ कार्य करने की या कुछ कार्य ना करने की Abstinence का मतलब होता है बेसिकली जहां पर हम कुछ कार्य ना करने की बात कर रहे हैं एंड इसमें व्यू क्या लेना चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है अपनी असेंट दे दे दैट इज वॉट इज नोन एज एन ऑफर ठीक है अब जब मैंने एक व्यक्ति को ऑफर दिया दैट आई वॉन्ट टू सेल माई टू यू फॉर दिस 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 अमाउंट तो मैं सामने वाले से उसकी असेंट चाह रहा हूं कि वो एक्सेप्टेंस करे तो एक्सेप्टेंस कि किस चीज को कहा जाता है वेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को जो है ऑफर दिया तो क्या सी एक्सेप्टेंस दे सकता है आंसर इज डेफिनेटली नो एक्सेप्टेंस सिर्फ वो व्यक्ति दे सकता है जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है तो यहां पर आप देखोगे क्या बोल रहे हैं वेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड सबसे पहला एलिमेंट यही बता रहा है वो व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया है प्रपोजल और ऑफर इज एक्सेप्टेड ठीक है बट एक चीज याद रखिएगा जैसे ही आई रिपीट जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इट बिकम्स अट बिकम्स नो गोइंग जा सकते अगर आपको को रिवोक करना है तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो बट उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हाउेवर रिवोकेशन हम आगे और अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अब आते हैं आगे हमने ये पढ़ लिया ऑफर क्या होता है हमने ये पढ़ लिया एक्सेप्टेंस क्या होता है बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर दो लोग रिश्तेदार नहीं है यानी वो एक दूसरे के लिए एलिट्रोस्टिक वर्क नहीं कर रहे हैं यानी परोपकार नहीं कर रहे हैं दे आर गेटिंग इन टू एन अग्रीमेंट सिंस दे आर गेटिंग इन टू एन अग्रीमेंट तो बेनिफिट दोनों को ही होना चाहिए एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेनिफिट जो दोनों को होना चाहिए दैट मीन्स देर टू बी समथिंग विच इज नोन एज ड प्रो को क्विड प्रो को वट डू वी मीन बाय क्विड प्रो को क्विड प्रो को का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग यानी लेट सपोज देर इज अ सेलर सेलर अपनी कोई सर्विस या अपनी कोई कमोडिटी जब बायर को दे रहा है तो बायर भी तो उसके बदले में सेलर को कुछ देगा एंड जो चीज ये बायर सेलर को दे रहा है इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन इज नोन एज कंसिडरेशन अब इसको देखते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है वेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन डेफिनेशन से

देता है तो क्या इसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा आंसर इज नो वाई बिकॉज कंसिडरेशन जो भी है वो कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए एट द डिजायर ऑफ द यानी वो चीज होनी चाहिए जो प्रोमिसर डिजायर कर रहा है जो प्रोमिसर जो है वो चाहत उसकी रख रहा है तो चाहत यहां पे पांच लाख की आप दो लाख दे रहे हो तो क्या ये जस्टिफाइड होगा आंसर इज नो तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन होगा नहीं ठीक है जी तो जब हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की तो इट द डिजायर ऑफ देशन में जो चीज चाहेगा वही चीज़ है जिसको as a consideration दिया जाएगा ठीक है जब बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की पहली चीज तो ये बता दी इट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बट द सेकेंड थिंग कंसिडरेशन देगा कौन सो so, इस कंसिडरेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है पहली जो प्रोमिस है प्रोमिस यानी यहां पर बायर जो प्रोमिस है वो कंसिडरेशन देगा या फिर कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है द प्रोमसी और एनी अदर पर्सन आई रिपीट द प्रोमिस नी थर्ड पर्सन ऑल्सो यहां पर इट इज नॉट नेसेसरी यहां पर गौर से देखिए पहला एलिमेंट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट या तो प्रोमिसी दे या फिर उनके अलावा कोई और व्यक्ति जो है वो भी इस चीज को फुलफिल कर सकता है बट अब यहां पे आप देखो क्या बोल रहा है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाई एम आई हाईलाइटिंग दिस बिकॉज यहां पर हमारा फोकस इस बात पे है कि कंसिडरेशन क्या हो सकता है तो कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं है इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी एन एक्ट ऑल्सो आई विल गिव यू माई कार और उसके बदले में यू विल सर्व एट माई होम फॉर अप्रोक्सी वन मंथ लेट सपोज फॉर टाइम बींग अगर ऐसा कोई एक अग्रीमेंट होता है तो वहां पर सर्विंग एट माई होम फॉर वन मंथ विल अमाउंट टू कंसिडरेशन यानी ये एक एक्ट भी हो सकता है ये पिक्यूनरी भी हो सकता है बट इट है आपको अब पता चल जानी चाहिए ठीक है तो ये जो समथिंग है ये कब होनी चाहिए जब आप कह रहे हो समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग ये कब होनी चाहिए क्या ये ये डिलीवरी ऑफ गुड के पहले हो जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए या डिलीवरी ऑफ गुड के बाद में भी हो सकती है तो यहां पर आपको बताया गया है दैट द कंसिडरेशन कैन ईदर बी पास्ट और बी प्रेजेंट और बी इन फ्यूचर जो कि डेफिनेशन बता रही है. कैसे द प्रोमिस एनी अदर पर्सन हैज डन

सिंपल आई होप यहां तक चीजें क्लियर है अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है to अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हमको चाहिए वैलिड मतलब जो कि इन दईज ऑफ दॉ सही है अगर हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके लिए क्या बेसिक एलिमेंट है जो उसमें होने ही चाहिए तो ये सेक्शन टेन जो है वो बताता है कि ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? सबसे पहले ये बताता है, an जब तक ही नहीं, दिया जाएगा, उसका नहीं किया जा सकता एंड जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो वो तो प्रॉमिस ही नहीं बन सकता चूंकि वो प्रॉमिस ही नहीं बनेगा क्या वो अग्रीमेंट बन सकता है नहीं दस फर्स्ट स्टेप इज कि ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए बट उसके आगे जब आप बढ़ोगे तो वो बात कर रहा है कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है यानी जो ऑफरर और जो ऑफरी है यानी जिस जो प्रॉमिस कर रहा जो प्रपोजल दे रहा है और प्रपोजल जिसको दिया जा रहा है ये दो पार्टीज जो हैं दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट व्हेन वी से कॉम्पिटेंट दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ठीक है इनके कॉम्पिटेंसी पे अभी दो मिनट बाद बात करेंगे पहले अभी सिर्फ यहां पर ही रहते हैं जी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए सबसे पहली चीज ठीक है सर उसके बाद पार्टीज कैसी होनी चाहिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए फिर उसके बाद बात की जा रही है कि इन पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए कॉन्सेंट यानी जहां पर ये अग्री कर रहे हैं इन टर्म्स के लिए जो हम ऑफर और एक्सेप्टेंस में बात कर रहे हैं उसमें जब ये अपनी हामी दे रहे हैं अपनी असेंट दे रहे हैं दैट हैज टू बी फ्री वेन वी से फ्री यानी किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए किसी प्रेशर की वजह से नहीं होनी चाहिए एंड फ्री फ्री के अभी अगली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अभी से इतना समझ लें वेन वी आर सिंग फ्री कॉन्सेंट वी विश टू से यहां किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए फोर्सफुल नहीं होना चाहिए फ्री माइंड से जो है वो एंटर कर रहे हैं इंटू दी कॉन्ट्रैक्ट थर्ड जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है आपके फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जो है वो बेचनी है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है अपना घर रेनोवेट कराना है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी और पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करना है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो उद्देश्य कैसा होना चाहिए लॉफुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम कल को जाके किसी के घर में चोरी करके आएंगे दैट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बी वैलिड ठीक है क्यों क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट

तो सभी लोग जो है वो एलिजिबल है टू गेट इन टू दैक्ट एक्सेप्टी पर्सन कौन हुव नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 18 प्लस ईयर्स का होना ही चाहिए नेक्स्ट वो व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड के है अनसाउंड माइंड जिनमें समझ नहीं है चीजों को समझने की उनको पता नहीं है कि जो वो एक्शंस लेने जा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है तो उनको हम कहेंगे द पर्सन आर ऑफ अनसाउंड माइंड थर्ड जिनको किसी एक पर्टिकुलर कानून के तहत या उनको हमारी सरकार ने डिसक्वालिफाई किया है फ्रॉम एंटरिंग इन टू अंट्रैक्ट तो ये वो सारे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इनके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब चूंकि हमने बात कर ली है अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेंट वेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेंट आपको ये फ्रेज पता होना चाहिए कंसेंसस एड इडम कंसेंसस एड इडम मतलब यहां पर जब हम कंसेंसिस एड एडम की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है वेन टू और मोर पर्सन आर अग्रींग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस आई रिपीट टू और मोर पर्सन आर अग्रींग ऑन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस

तो यहां पर बेसिक मतलब यह है जहां पर दो या दो से अधिक लोग जो भी इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में आने चा, आना चाह रहे हैं वो सभी लोग एक ही चीज पे एक ही सेंस पे अग्री कर रहे हो दैट इज वॉट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉट इज नोन एज कॉन्सेंट ठीक है जी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर फोर्टीन सेक्शन नंबर फोर्टीन ये बताता है कि कॉन्सेंट तो आपने ये बताई बट जो कॉन्सेंट है वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड भी हो सकती है वो डरा धमका के भी ली जा सकती है तो ऐसा ना हो इसीलिए सेक्शन नंबर 14 बता रहा है आपको द कंपोनेंट्स ऑफ फ्री कॉन्सेंट आई रिपीट द कंपोनेंट्स ऑफ फ्री कॉन्सेंट सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फ्री कॉन्सेंट आपको याद रखना है ये चीज ठीक है कैन यू आई रिपीट कैन यू फाइंड मिस माधुरी कैन यू फाइंड मिस माधुरी जैसे ही आपने ये चीज याद करी आपको सारे के सारे फ्री कॉन्सेंट के एलिमेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे वेन वी टॉक अबाउट कैन इससे आप ड्रॉ कर सकते हो को अर्जुन वेन वी टॉक अबाउट यू इससे आप ड्रॉ कर सकते हो अनड्यू इंफ्लुएंस व्हेन वी टॉक अबाउट एफ या फाइंड इससे आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉड मिस से आप ड्रॉ कर सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट से आप ड्रॉ कर सकते हो मिस्टेक ठीक है तो ये है आपके सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ फ्री कॉन्सेंट अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट है कंसेंट देते टाइम तो उसको हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे ये सारी चीजें आपके कंसेंट में नहीं होनी चाहिए ठीक है अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर ये होती क्या है सबसे पहले समझते हैं कोअरजन कोअरजन का मतलब जहां पर आपको डराया धमकाया जा रहा है यानी अगर मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता हूं किसी व्यक्ति को लेकिन वो फोर्सफुली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये कहते हुए कि अगर मैंने अपनी कॉन्सेंट नहीं दी तो मुझे और मेरे परिवार को जो है मार दिया जाएगा लेट सपोज तो इस चीज को हम कोअर्शन कहेंगे जहां पर एक ऐसा एक्ट करके या फिर एक ऐसे एक्ट का अप्रिहेंशन या थ्रेट देकर आपसे आपकी कॉन्सेंट ली जा रही है जहां पर वो किस प्रकार का एक्ट है जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत फॉरबिडन है यानी वो एक ऑफेंस है अंडर आईपीसी या किसी और कानून के तहत वो लॉफुल है अनलॉफुल है ठीक है अगर मैं किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन कर लेता हूं एक कमरे में बंद कर देता हूं जब तक आप इसमें साइन नहीं करोगे तब तक आपको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा या फिर अगर तुमने इसमें साइन नहीं किया तो तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं वो घर से कभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि निकलते ही उनको किडनैप कर लिया जाएगा अगर ऐसा डराया और धमकाया जा रहा है देन दैट कॉन्सेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी अंडर वॉट क्वेश्चन ठीक है द नेक्स्ट वन इज अनड्यू इंफ्लुएंस When we talk about undue influence, यहां पर बात हो रही है about the relationship that the two people have. For example, अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे घर में एक हमारे हाउस हेल्प है जिनको मैंने कुछ समय पहले एक लाख रुपए दिया था जो कि उन्होंने अभी तक नहीं लौटाया है तो मैं उनकी पांच लाख में लेने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और जबरदस्ती चूंकि मैं एक डोमिनेंट पोजीशन पे हूं उनकी कॉन्सेंट को ड्रॉ कर लेता हूं देंट uh, जो कि कैसे ली गई है ड्यू टू अनड्यू इंफ्लुएंस अनड्यू इंफ्लुएंस ऑफ वॉट अनड्यू इंफ्लुएंस जहां पर वन पार्टी इज एबल टू डॉमिनेट दिल ऑफ दब आते हैं आगे कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड दट इज फ्रॉड फ्रॉड मतलब सिंपल टर्म्स में जहां पर जो पार्टी है वो जान बुझ के क्या करना चाह रही है डिसीव करना चाह रही है अनदर पार्टी को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी फैक्ट है उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में जिसपे बात की जा रही है वो पर्टिकुलर फैक्ट ट्रू ही नहीं है एंड द पर्सन नोज दिस और इसके पीछे उनका इंटेंशन भी है कि मैं इस व्यक्ति को डिसीड करूं फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर अ काइंड ऑफ अ मीम जहां पे अक्षय कुमार की एक मूवी है और वो एक छोटी सी बकरी को लेकर पेड़ के पास खड़े होते हैं तो वो एक सेठ आते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हो उस बकरी को तो बोलते अरे ये तो बहुत महंगी बकरी है क्यों क्योंकि ये विलायती है और ये इंग्लिश में बात करती है तो बोलते अच्छा

डिसीव करने का इंटेंशन था एंड जब भी कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिसीव करने का इंटेंशन हो दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्रॉड ठीक है नेक्स्ट मिसरेप्रेजेंटेशन सपोज मैं सैटरडे नाइट को घूमने चले जाता हूं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आई वाज पार्टी तभी मुझे ऑफिस से कॉल आता है दैट सर टुमारो यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन जहां पर आपको बताना है अबाउट सम कोर्स लेट सपोज क्लैट का एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है जैसे ही मैं यहां पर आता हूं और आने के बाद मुझे लगता है कि यार मैंने रात में प्रेजेंटेशन बनाई नहीं मैंने जो पूरा का पूरा परफॉर्मा था उसको स्टडी किया नहीं बट आई अज्यूम थिंग्स मैं ये अज्यूम करता हूं अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इज अ ब्रांड जो कि हर चीज परफेक्ट देता है तो लेट सपोज कि यहां पर जब भी हम बात कर रहे हैं क्लैड के कोर्स की तो उसमें तो सारी फैसिलिटीज होंगी जैसे कि उसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी ई e बुक्स आपको मिलेगा टेस्ट ये सारी सारी चीजें होंगी उसमें और ओवरऑल प्रिपरेशन हमारी कराई जाएगी तो उसी उद्देश्य से मैंने आकर प्रेजेंटेशन में वो सारी चीजें बोल दी हाउएवर लेटर डिड आई कम टू नो कि ये जो कोर्स था ये केवल और केवल रिकॉर्डेड क्लासेस का था इसमें लाइव क्लासेस नहीं थी बट क्या मेरा इंटेंशन बच्चों को डिसीट करना था

बिलीव इट टू बी ट्रू बिकॉज यहाँ पर डिसीटफुल इंटेंट जो है वो देखने को नहीं मिला है ठीक है अब आते हैं आगे दन इज मिस्टेक ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट लेट सपोज लेट सपोज यहाँ पे दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट मैटर पर बात कर रहे हैं एक घोड़ा है वो मैं बेचना चाह रहा हूं अपना हॉर्स और सामने वाले व्यक्ति उसको लेने की बात कर रहे हैं बट सम्भाव जब मैं उस घोड़े की सेल की बात कर रहा हूं मुझे ये पता ही नहीं है है कि वो हॉर्स ऑलरेडी मर चुका है। तो यहां पर दोनों ही पार्टीज जो हैं वो क्या है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक है तो ये भी कॉन्सेंट जो होगी वो आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं मानी जाएगी अगर उसमें एलिमेंट ऑफ मिस्टेक है ठीक है आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। कैन यू फाइंड मिस माधुरी दैट इज कोवर्जन आएगा फ्रॉड्रजेंटेशन एंड लास्ट एम से आएगा आपका मिस्टेक अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उसमें होता है तो अगर उसमें इनमें से कोई भी एक एलिमेंट होता है तो उस स्थिति में उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो फ्री कंसेंट नहीं थी एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल बन जाएगा यानी जो पार्टी क्लेम करेगी कि हमारी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी वो पार्टी आगे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को करार करवा सकती है है ठीक जी नाउ मूविंग अहेड टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आप यहां देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन दो प्रकार के हैं एक है आपका जिसको हम कह रहे हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक है जहां पे हम कह रहे हैं

तो ये इंप्लाइड हो जाता है कि बस जहां तक जा रही है ये व्यक्ति वहां तक जाना चाहता है अंटिल एनलेस वो व्यक्ति जो है खुद से बताए कि नहीं मुझे पहले रुकना है तो अगर वो व्यक्ति लास्ट तक बैठा है

तो वो एनफोर्स कराया जा सकता है या फिर वो वॉइड अग्रीमेंट होगा यानी जो हमने essentials of a valid contract पढ़े, उनमें से कुछ elements उसमें missing होंगे, तो वो अग्रीमेंट कहलाएगा वो कभी contract बन ही नहीं पाया। यानी वो contract तो बन चुका है बट चूंकि पार्टी ये क्लेम कर दे कि हमारी कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं थी इस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल यानी uh, 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 उस हटाया जा सकता है ठीक of है जी नाउ मूविंग अहेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इस पे सवाल पहले भी पूछा जा चुका है अभी भी पूछा जा सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर विल बी कंप्लीट वेन इट विल कम इन टू नोटिस ऑफ द अनदर पर्सन टू हूम इट इज मेड जैसे ही जिस व्यक्ति के लिए ऑफर जो है वो दिया जा रहा है उसके नॉलेज में जैसे ही ये आएगा ऑटोमैटिकली कम्युनिकेशन को जो है कंप्लीट माना जाएगा ठीक है यहां आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज इन लॉ इज

ट्रस्ट मी इवन इन योर लॉ स्कूल आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाली है जी ये है वो व्यक्ति जिसको हम ऑफरर या प्रपोजर के नाम से जान रहे हैं ठीक है यह है वो व्यक्ति जिसको ऑफर दिया जा रहा है यानी ऑफरी ठीक जैसे ही ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इट विल बी कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीट एज सून एज इट कम्स इन टू दॉलेज ऑफ दर्सन जैसे ही अगले बंदे को पता चलती है ये बात ऑफर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सिमिलरली एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कब माना जाता है जब वो जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया था उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है और उसके नॉलेज में आ रहा है जैसे ही उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाता है वैसे ही आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगा लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रेवोकेशन कब तक किया जा सकता है रेवोकेशन का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं वापस लेने की कि कब तक ऑफर को वापस लिया जा सकता है कब तक एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है उस चीज पे बात की जा रही है ठीक है तो जब हम बात कर रहे हैं ऑफर की ऑफर को कब तक वापस लिया जा सकता है जब तक की जब तक की उसको एक्सेप्ट ना कर लिया गया हो आई रिपीट जब तक की उसको एक्सेप्ट ना कर लिया जाए तब तक आप ऑफर को वापस ले सकते हो अब एक चीज समझिएगा या रातक कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले मेल के थ्रू चला करते थे मेल मतलब यहां पे हम लेटर्स की बात कर रहे हैं ठीक है जब तक एक्सेप्टेंस कैसे माना जाएगा उस चीज को समझना होगा तो जैसे ही जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है उस व्यक्ति ने लेटर को पोस्ट के थ्रू भेज दिया द मोमेंट द मोमेंट द पोस्ट द एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट एज इन्होंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाला उसके बाद अब ये व्यक्ति इस offer को वापस नहीं ले सकता क्यों क्योंकि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफरर उसको वापस नहीं ले सकता उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अग्रीमेंट बन ही जाएगा ठीक है जी तो जैसे ही पोस्ट पे डाला एज अगेंस्ट द ऑफरर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एंड दस ऑफरर कैन नॉट टेक टेक इट्स ऑफर बैक हाउएवर हाउएवर अब ये पोस्ट के थ्रू जाएगा जाने के बाद जैसे ही ये इस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है इट इज राधर देंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट दी यानी अब इनको जो है एक तरह से बाध्यता आ जाती है दट ही के नॉट स्टेप बैक जैसे ही ट्रांसमेशन में डाला ही के नॉट स्टेप बैक जैसे ही ये इनके नॉलेज में आ गया ही के नॉट स्टेप बैक ठीक है तो ट्रांसमेशन में डालते ही एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दर जैसे ही ऑफरर के पास पहुंच गया एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दी ठीक है कब तक ऑफर वापस लिया जा सकता है तो ऑफर वापस लिया जा सकता है तब तक जब तक ये पोस्ट ना कर दे ठीक है कब तक एक्सेप्टेंस वापस ली जा सकती है यानी यह व्यक्ति अपनी लायबिलिटी को कब तक रोक सकता है जब तक कि ये इस व्यक्ति के पास यहां पर ना पहुंच जाए तब तक इसको वापस लिया जा सकता है लेकिन जैसे ही एक्सेप्टेंस पहुंच गई उसके बाद इट इज डन

कि कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब कब होगा जैसे ही ट्रांसमिशन में डाल दिया जाए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है वेन इट इज पुट इन टू दर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ एक्सेप्टर उसके बाद आउट ऑफ एक्सेप्टर हो गया एंड एज अगेंस्ट दर कब कंप्लीट होगा कैसे यहां पर वही जो डायग्राम पीछे समझा उसको वर्ड्स में आपको बताया गया है मूविंग हेड दस दोविजन मेक्स नो डिफरेंस इन दोजीशन ऑफ दर दर बिकम्स बाउंड वेन आ प्रपरली अड्रेस्ड एंड एडिकुएटली स्टैम्प लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड

जो कि सेक्शन नंबर फोर है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है है, बच्चों को क्रिएट करता बट आपको याद क्या करना है आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को एंड इस डायग्राम में खास करके एक्सेप्टेंस वाले पार्ट को आप एक बार याद कर लें एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो सकता है पहला एज अगेंस्ट ऑफरर और दूसरा एज अगेंस्ट द ऑफरर के अगेंस्ट कब होगा जैसे ही इट विल कम इन टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हमारा एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट कब होगा जैसे ही इस व्यक्ति के पास वो चीज पहुंच जाती है ठीक है जी आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर अब आपको करना क्या है दोबारा से इस पर्टिकुलर सेशन को देखिएगा एंड एट द सेम टाइम नोट डाउन करिएगा कुछ चीजों को कुछ सेक्शन को उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करें जो सेक्शन है उनको इंटरनेट पर खोल के देखें एंड रीड करें उन सेक्शन को कि क्या अब आपको समझ में आ रहा है अगर आप इतना कर लेते हो देन डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट से अगर सवाल आपको बेसिक से आ रहा है स्टैटिक पार्ट से आ रहा है यू विल बी इन अ पोजिशन टू अड्रेस दैट स्ट्रॉन्गली विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन माय नेम इज जदित राय I'm signing off Jai Hind Jai Bharat.